तू ही दूगो यादव यादव का इतना उछरा है भाई। ओ जान गया है सब ने कि यादव के नाम पे टीआरपी अब बटोरा जा सकता है। कहेंगे वर्ल्ड वार होगा, वर्ल्ड वार। अच्छा ये वर्ल्ड वार ही करवाई हो गया, कहानी शुरू हो गया है। जिसमें भर्ती रहेगा चार को गोली खा के, उस दिन में पांच दो छह को पत्रकार आएगा आके अपना व्यूज बटोर के जाएगा। पवन सिंह और खेसारी लाल आप दोनों अगर मुंह में टेप लगा लीजिएगा, अगर दोनों अगर तरीके से काम कीजिएगा, हम तो कह रहे निरहुआ काहे नहीं उछल रहा, कह रहे कि हाँ भैया वो गलत तो बोलता है, तो भैया हमारा बोले से होते कि ओकरा थोपियावे से होबेगा जी, उसको कूटने से होबेगा, उसको है संतोष धेनुआ हाँ झंडुआ वो जाता है, वो जाएगा अभी देखिएगा आप लोग का नाम से पूरा बटोरेगा चर्चा। कहते हैं ये पता है क्षत्रिय कौन है, आए क्षत्रिय ना कहा जाता है जी राजपूत को, क्षत्रिय कौन हलतीन, श्री राम हलतीन ना। नमस्कार, मैं विशाल चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं, और मोबाइल के फ्रेमिंग में आप जिसे देख रहे हैं ये परिचय के मोहताज नहीं है, इनका नाम समीर चौधरी है। और अभी कुछ दिनों पहले ये भविष्यवाणी किए थे और लगातार ये अश्लील जो भोजपुरी समाज में अश्लीलता के खिलाफ ये मुहिम चला रहे हैं, उसी दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि बहुत जल्द यही भोजपुरी समाज के कारण वर्ल्ड वार होगा, और वो हो गया है, वो छपरा में हुआ है, सारण में हो गया, जहां यादव भरसे राजपूत का एक युद्ध चल रहा है। और आपने काफी पहले भविष्यवाणी कर रखी थी कि यही भोजपुरी समाज पवन सिंह और खेसारी लाल को लेकर जो लगातार विवाद हो रहा है, बहुत जल्द राजपूत और यादव में द्वंद होगा, युद्ध होगा, वो आज दिन देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे, वर्ल्ड वार होगा, वर्ल्ड वार। अच्छा ये वर्ल्ड वार ही करवाई हो गया, कहानी शुरू हो गया है, अगर रोक नहीं लगाया जाएगा, और कहीं ना कहीं अगर राजपूत और यादव जी का लड़ाई है तो खेसरिया और पवन सिंह के चक्कर में ही हो रहा भैया। अच्छा, हाँ। अच्छा रूट वही है, जड़ वही है, वही है, कहीं ना कहीं रूट वही है। अगर इसकी जांच बैठाई जाए, कस के जांच होगी इसकी, तो गिरफ्तारी के समय पता चलेगा कि कौन आदमी कितना कैसे हुआ। देखिये हमारे हिसाब से हम यही कहेंगे कि जब तक समाज को, क्योंकि हमें भी फोन आ रहा है जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मेरे ऊपर भी हमला हुआ है, लेकिन हम बोलना नहीं चाह रहे थे, हम इसलिए नहीं बताना चाह रहे थे कि लोगों को लग रहा लगे ना बाद में यार समीर भी देखो अब अपना मतलब ऐसा नहीं है। अब समीर जिस दिन पीएमसीएच में भर्ती रहेगा चार को गोली खा के, उस दिन में पांच दो छह को पत्रकार आएगा आके अपना व्यूज बटोर के जाएगा। वर्षी के कारण आपको घसीटा जा रहा है जी, इसलिए कि साहेबगंज से कुछ लोग हमें फोन कर रहे हैं, मुर्गा छाप मनी महराज के जो लोग हैं, भैया हम बार बार कह रहे हैं कि मनी महराज समाज को बर्बाद करने का काम कर रहा है, वो अश्लीलता फैला रहा है, और लोग भी सपोर्ट में है हमारे, लोग कह रहे हैं कि हाँ भैया वो गलत तो बोलता है, तो भैया हमारा बोले से होते कि ओकरा थोपियावे से होबेगा जी, उसको कूटने से होबेगा, उसको उसको रेलिए जाके कस के। अच्छा समीर जी आप ये मुहिम चला रहे हैं लेकिन वो मतलब सफल की ओर नहीं जा रहा है, सफलता की ओर नहीं जा रहा है, और वैसे में युद्ध छिड़ गया। क्या बात कर रहे हैं, पूरा सफलता में जा रहा है, जब हमारा धमकी मिल सकता है, हमारा जान मारे के जब हमारे ऊपर हमला हो सकता है, पत्रकार पत्रकार अपने में लड़ झगड़ सकता है, कौन कह रहा है कि नहीं हो रहा, सब हो रहा है। हाँ मुहिम रंग ला रही है, मुहिम मेरा बहुत ज्यादा रंग ला रही है, और ये तब रंग लाएगी जब हमारे खून जब मिलेगा ना उसमें, तब ज्यादा रंग लाएगा। ये वर्ल्ड वार हो रहा है जो, ये वर्ल्ड वार हो रहा हम तो बता दिए। पवन सिंह और खेसारी लाल आप दोनों अगर मुंह में टेप लगा लीजिएगा, अगर दोनों अगर तरीके से काम कीजिएगा, हम तो कह रहे निरहुआ काहे नहीं उछल रहा भैया, वो तो पॉलिटिक्स में भी है पार्टी में भी है, काहे नहीं उछलते हैं, रवि किशन काहे नहीं कूद रहे हैं, आए पूछिए इससे, ये दो तीन वो जो चंगू मंगू वाला टाइप का काम कर रहा नहीं, पवन सिंह को उंगली करता है। अरे बार बार हम कहते हैं कि पवन सिंह पावर स्टार है, हम ये नहीं कह रहे कि खेसारी लाल भी खराब है राजपूत के साथ। देखिए भैया साथ हम सबके हैं, हाँ हम ज्यादा साथ ओकरा है जो अपने आप को कहता है कि हम हिंदुस्तानी है, हम ओकरा साथ में है, हम आओ कोई लंडू है। दोनों में गलत कौन और सही कौन है? देखिए दोनों में गलत वही है जिसको लग रहा था कि हाँ भैया हम फलनमा के चक्कर में मार कर लेंगे, अब व्यक्तिगत बात क्या है, जमीनी बात है, महिलाओं का शोषण बात है, क्या है, अब तो भाई ना जानेगा जे मार खाया जे मारा है वही ना जानेगा भैया, तो कानूनी कार्रवाई होगी, हम ये नहीं करने आएंगे। वो है संतोष धेनुआ हाँ झंडुआ, वो जाता है वो जाएगा अभी देखिएगा आप लोग का नाम से पूरा बटोरेगा चर्चा, ओकरा देखें कल पर नहीं जा रहे हैं। देखिए भैया हम जहां अश्लीलता रहेगा हम वहीं जाके आवाज उठाएंगे कि अश्लीलता को बंद करने का काम करने के लिए आवाज उठाएंगे हम, ऐसे तो बहुत जगह हो रहा है, आज देखिए फुलवारी में कोई महिला मर गई है, आप लोग को न्यूज मिला होगा, फोन आया हमको,
भैया हम फोन करके बात करने से अच्छा है कि हम कानून को फोन करके बोले कि आप जाके जांच करवाइए। चौधरी जी, एक्सपोज मीडिया के पत्रकार विकास राज ने आप पे तंज कसा, आपने वीडियो में देखा होगा, उसमें आपका जिक्र किए और कहे कि पुतला मैन हो गया है, इसी तरह से सोशल मीडिया पे एक्टिव है और काफी एक मतलब उपहास उड़ाते हुए हंसते हुए और तंज कसा है। देखिए, वो मेरा एक दोस्त है और मैं वो भी जानता है और हमारे समाज के भी कुछ लोग जानते हैं कि विकास राज हमारा एक फ्रेंड है और पहले का फ्रेंड है, आज का नहीं है, हम लोग पुराने दोस्त है। ठीक है, भाई को मैंने मैसेज भी किया कि देख भाई, अगर दोस्ती में अगर तुम मतलब दोस्त को लेने वाला काम कर रहे हो, नाम न ले भाई, वह हमारा कहा प्रचार कर रहे। हाँ, तो फिर हम लोगों में वार्तालाप हुई है और विशेष मैं बता दूं कि इसके बाद हम विकास राज से कोई तरह का बात करना नहीं चाह रहे हैं, ना कोई इंटरव्यू देंगे उसके चैनल पे। अगर वो सुन भी रहा होगा तो बढ़िया बात है, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया सभी जगहों से। आपका नाम लेकर सुर्खियां बटोर रहा है, अब भगवान जाने, देख ना रहे हैं। दोस्ती में दुश्मनी, दोस्ती में दरार, ऐसा दोस्ती भी नहीं था हम लोगों की, एक छिपा में खाना खा लिए थे। हाँ, लेकिन दिल वाला दोस्ती था। हम तो जानते हैं भैया कि बहल जाते हैं, आज आप हमको प्यार से बुलाइए, जहाँ आएंगे हमारे गर्दन वो काट लीजिएगा तो उफ नहीं निकलेगा हमारा। अच्छा, ये विकास राज जो यूट्यूबर है, ये भी विवादित बयान दिए हैं और यादवों का सपोर्ट करते हुए राजपूत पे तंज कसा है, वीडियो में आप देखे होंगे। हमारा कहा नाम है कि लालू यादव के जो तुनी अथी बने के चेला बने के फेरा में है, आए उनका बेटा है कि नहीं दो चार गो, तू ही दू गो यादव का इतना उछरा है भाई। ओ, जान गया है सब नहीं कि यादव के नाम पे टीआरपी अब बटोरा जा सकता है। हम सभी यादव समाज को ये हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि आप लोग कृष्ण के वंशज हैं, नाम हंसाने वाला काम मत करवाइए। हाँ, कहा कि संतोष रेणुआ जो है ना, ये कलंकित करने का काम कर रहा है, ना कि किसी को भी आगे बढ़ाने का काम। ये दो चार को पार्टी पॉलिटिक्स टाइप का बात करता है। अरे भैया, हाउ बतवा हाउ पीछे में गांड में दम झगड़ा बोला है, हाउ हाउ तो जो ना अश्लीलता बंद करा के बारे में क्या कहिएगा। एक का मर्डर हो गया, दो घायल है गंभीर रूप से, इस पे जांच बैठना चाहिए। कम मत समझिए, किसी को कम मत समझिए भैया, हम बार बार कह रहे हैं। हाँ, क्षत्रिय कहते हैं ये, पता है क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय ना कहा जाता है जी राजपूत को, क्षत्रिय कौन हलतीन? श्री राम हलतीन ना, रावण के जब सीता जी के जब स्वयंवर में गया था, जो कैसे लक्ष्मण जी को लगा था कस की मिर्चाई, कि हमने क्षत्रिय है, हमने सुन नहीं सकते हैं किसी का, तो क्षत्रिय है भाई। आप लोग एक जगह रह के लड़िए झगड़िए नहीं, ये समीर चौधरी बोल रहा है। आपकी भाईवानी सत्य साबित होती है, बहुत ज्यादा सच होगा, अभी तो शुरुआत हुई है। कहानी देखिए बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा, ये हम बोल रहे हैं, कहानी बहुत दूर तक जाएगा। ये थे हमारे साथ भोजपुरी कलाकार एक्टर जो मॉडल है समीर चौधरी है, इन्होंने लगातार मीडिया में आकर ये बयान दे रहे थे कि बहुत जल्द जो है युद्ध छिड़ेगा और वो युद्ध छिड़ चुका है। और इनका जो कहना है साफ तौर पर कहीं ना कहीं इसका कारण जो ये आपको खेसारी लाल यादव और पवन सिंह है, इन दोनों का जो लगातार विवादित बयान आता है, इसको लेकर एक जातिवाद की जो भ्रांतियां है बिहार में वो फैलाई जा रही है, जिसका जो रिजल्ट है वो सारण में देखने को मिल रहा है, वो छपरा के मुबारकपुर में देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे आपको एक और बात कहना चाहूंगा, मैं एक्सपोज मीडिया यूट्यूबर जो है विकास राज को कहना चाहूंगा, एक पत्रकार यूट्यूबर का कोई जात धर्म नहीं होता है। विकास जी, आप जिस तरह से बयान दे रहे हैं और राजपूतों को जो आप उसमें निगेटिव दिखा रहे हैं, उस पर तंज कस रहे हैं और यादवों का पक्ष ले रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। आप पहले पूरी सच्चाई को जानिए। जिस तरह से वहां मुबारकपुर के जो पंचायत के जो मुखियापति है विजय जी, कथित रूप से कहा गया है कि गोली चला है, अगर गोली चली तो उनकी मौत तो नहीं हुई ना, लेकिन यहाँ राजपूत समाज का एक युवक की मौत हो चुकी है, दो गंभीर रूप से घायल है, यहाँ पे वो दिखता है, लेकिन ये गोली चलने की जो बात है वो कहीं नहीं दिख रहा है। अगर सपोज मैं मानता हूँ कि अगर ठीक है राजपूतों ने गलती कर दी और गोली चला भी दिया तो उसमें किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन मुबारकपुर पंचायत के मुखिया के पति जो विजय जी के द्वारा जो एक कदम लिया गया है उसमें एक राजपूत जो युवक है उसकी मौत हो गई है, दो घायल है, और सबसे बुरी बात है कि उसका वीडियो बनाया गया और वीडियो बना के वायरल किया गया, तो ये कहीं ना कहीं निंदनीय है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और मैं आप दोनों से भी कहना चाहूंगा, यदुवंश और रघुवंश ये दोनों एक है, और जिस तरह से लोग बहकावे में ना, जिस तरह से लगातार जो लोग विवादित बयान दे रहे हैं उसे आप नजरअंदाज करें, क्योंकि जो एक साथ रहने में ही भलाई है लोगों की और एकता का परिचय दे। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि बिहार के जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, वो गलती कभी नहीं करेंगे अपने पिताजी वाला, क्योंकि उन्होंने नजदीक से लालू प्रसाद यादव की बर्बादी को देखा है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी जब सरकार बनाए थे तो कहीं ना कहीं राजद की गलती के कारण नीतीश कुमार ने अपनी सरकार बनाई थी, तो तेजस्वी यादव काफी सुलझे हुए और मंजे हुए व्यक्ति है और अच्छे व्यक्ति की छवि है, तो ज्यादा ये ना लोग सोचे कि यादवों को बढ़ावा मिल रहा है, बिल्कुल वैसी बात नहीं है।
डिप्टी सीएम लगातार एक्शन ले रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये अपना स्टेटमेंट दिया है कि मुबारकपुर में लगातार जो है सरकार की पैनी नजर बनी हुई है और जिसमें आला कमान जो है हाई कमान जो है वो भी एक्शन ले लिया है। वहां पे नेट को बंद कर दिया गया, फिलहाल 8 फरवरी तक नेट को वहां पूरी तरीके से बंद कर दिया गया ताकि सोशल मीडिया पर जिस तरह के जो भ्रांतियां फैलाने का काम होता है वो रोका जाए। और बिल्कुल भी सरकार का सराहनीय कदम है और मैं बिहार की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता से अपील करूंगा कि बहकावे में ना आए और एकता का परिचय दे और ये जिस तरह का जो हिंदू में आपस में जो लड़ने का आप लोग काम कर रहे हैं ये बिल्कुल भी ना करें। यदुवंश और रघुवंश, मैं जाते जाते फिर से एक बार कहता जाऊंगा, यदुवंश और रघुवंश एक है और ये विकास राज जो है ना ये इसी तरह से अपना टीआरपी बटोरता है, ये यूट्यूबर है, इसकी बातों पर ध्यान न दे। नमस्कार।